करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चेन्नई में भिड़ंत होगी, चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में ये टक्कर देखने को मिलेगी। तो तीन स्पिनर्स के साथ आज भारतीय टीम मैदान में उतरने वाली है। शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को मौका मिला है। विश्व कप में अब तक 12 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने 8 और भारत ने 4 मुकाबले जीते और आज का ये शानदार महामुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तो वर्ल्ड कप 2023 का आगाज और आज ये बेहद ही महत्वपूर्ण मैच विश्व कप में। अब तक आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया ने 8 और भारत ने 4 मुकाबले जीते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर खेल मैदान से आपको बता रहे हैं। भारत का ओपनिंग मैच आज ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी वनडे वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच आज खेल रही है। चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच आज खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मुकाबला खेलने के लिए दोनों टीमें आज मैदान में होंगी। लेकिन भारतीय टीम के सामने कई चुनौतियां आज रहेंगी। हालांकि दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन इंडिया टीम, आज दोनों टीमों की भिड़ंत होने जा रही है। और आपको बता दें कि आज शुभमन गिल की कमी जरूर उनके फैंस को और क्रिकेट फैंस को खलेगी, क्योंकि शुभमन गिल आज के मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है। चेन्नई के इस स्टेडियम की अगर बात कर लें तो ये स्पिनर्स फ्रेंडली टीम रही है, स्पिन फ्रेंडली रहा है ये मैदान। ऐसे में 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम आज मैदान में होगी। 12 बार वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आमने सामने रही है। ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार और भारत ने 4 मुकाबले जीते हैं, यानी कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया का पड़ला भारत के मुकाबले ज्यादा रहा है, भारी रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ही भारत जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरी है, ऑस्ट्रेलिया का भी जानदार और शानदार प्रदर्शन हमेशा देखने को मिला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में काफ़ी अच्छे स्पिनर हमने देखे हैं, बॉलर बेहद ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका फ़ायदा भरपूर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज उठाने वाली। और इसी इरादे के साथ, मैदान फतह करने के साथ ही दोनों टीम आज मैदान में उतरेंगी जीत का परचम लहराने के लिए। बेहद ही दिलचस्प होगा आज का ये मुकाबला। And World Cup being a different ball game, yes, it's World Cup, but you know we want to treat this as a tournament for us. As we come against different opposition, we focus on that opposition and then move on from there. Not worry about what lies ahead, what's there for us in the future and things like that. That can only add pressure. But how you can cut down the pressure is just focus on what's coming up for us tomorrow, and then keeping it very simple. And for me as a batter, yes, I want to focus on what I can do the best for the team, whatever is required, whether it is giving good starts, batting as long as possible. I'll try and do everything that is required for the team.